You hear that crunch? यार KFC इस पूरा पैसा वसूल, आत्मा तृप्त हो गई। बड़े मजे लेके चैलेंज वीडियो देख रहे हो, लेकिन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कुछ करते नहीं हो, बट फिर भी मेरा काम है चैलेंज वीडियो लाना, मेरा काम है वीडियो बनाना, बिकॉज सच बताऊं मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन आई डिजर्व सम लव, आई डिजर्व सम लाइक्स, सम कमेंट्स एंड सम सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज बहुत प्यार से कह रही हूं कर दो, नहीं तो गुस्से से भी कह सकती हूँ। एनीवेज, हो गया बहुत ड्रामा। वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज एपिसोड, जिसमें मैं ले रही हूँ 24 आवर्स KFC चैलेंज। एंड मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है, बस अब वेट है जोमैटो वाले भैया का। ठीक है, यार एक पॉइंट बोल रही हूँ, KFC थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, या डिलीवरी में एक्सपेंसिव है मुझे नहीं पता, तो वो हम सब कंपेयर करेंगे, सब बात करेंगे, बिकॉज लंच के लिए मैं जाने वाली हूँ KFC के आउटलेट। यस, फाइनली मैं इतने दिनों बाद बाहर जाऊंगी, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, देखो चांद नजर आया। मतलब इतनी खुशी मुझे जीवन में, जब मेरे 91% भी आए थे ना बोर्ड एग्जाम में, तब भी नहीं हुई जितनी मुझे आज खाना देखकर हुई है। 12 बज गए यार, अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो अभी मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। ये अब है टाइम फॉर टेस्टिंग। वैसे तो मैं 85 बारी खा चुकी हूँ KFC, लेकिन आज 6 महीने बाद खाने की जो खुशी उतनी खुशी मुझे लाइक्स और कमेंट्स की फॉर्म में भी दे दो प्लीज। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ, ये है वेज जिंगर। तो मैंने वेज भी ऑर्डर किया, बिकॉज मुझे लगा कि काफी सारे मेरे व्यूअर्स वेजिटेरियन भी हैं, सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम, सो लेट्स डू दिस। ओके, ये काफी अच्छा है। तो अगर आप ये देखो, इसके अंदर ये है पैटी, एंड इनकी इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा है लेचेस, एंड ये मेयो भी है। जो मुझे इस बर्गर में जो सबसे अच्छा लगा कि इसकी पैटी काफी मोटी एंड काफी थिक एंड काफी क्रिस्पी भी लग रही है। एंड अगर मैं बात करूँ तो खाना अभी तक गर्म है, बिकॉज ये मेरे घर से बहुत पास है इनका आउटलेट। टेस्ट बहुत अच्छा है यार, मतलब वेज जिंगर मैंने पहले भी खाया है, बट मुझे लगता है शायद आई कैन बी रॉन्ग, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इन्होंने वेज जिंगर शायद चेंज किया। पहले वेज जिंगर बहुत स्पाइसी होता था, लेकिन आज बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब पैटी इज सो क्रिस्पी एंड जो मेयो है, वाओ वाओ, मतलब सच्ची बता रही हूँ, वेज बर्गर में मतलब वन ऑफ द बेस्ट वेज बर्गर्स आई हैव हैड। मे बी मैं सुबह सुबह ट्राई करी और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी, बट सच बता रही हूँ इसका टेस्ट इज वेरी गुड। प्राइजेस मैं नीचे मेंशन करूंगी, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये दोनों चीजें, मतलब ये और एक और मैंने चीज ऑर्डर की, ये मुझे 354 रुपीज की पड़ी, जो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट दिस बर्गर इज रियली यम, इट्स यम। नेक्स्ट चीज है, ये मैंने ऑर्डर की है चिकन स्ट्रिप्स। जूम ले पा रहा है क्या मेरा कैमरा, मतलब सॉरी फोकस में ले पा रहा है मेरा कैमरा, ले ही लेगा, बट कोई नहीं, आप लोग मुझे खाते हुए देख सकते हो। तो मुझे एग्जैक्टली इन 3 पीसेस चिकन स्ट्रिप्स का प्राइस नहीं पता, नीचे मेंशन हो जाएगा, बट पहले भी मैंने बताया 354 रुपीज टोटल है, तो आई थिंक उसमें 50-60 रुपए तो डिलीवरी चार्ज, मतलब इतना डिलीवरी चार्ज, ओह माय गॉड, बट ठीक है, आई डोंट माइंड पेइंग इट, बिकॉज यू नो जो जोमैटो डिलीवरी बॉयज हैं या फिर जो आउटलेट से भी आ रहा है, दे ऑल आर वर्किंग सो हार्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, उन लोगों ने हम लोगों को सर्व किया है ऑन टाइम, सो आई थिंक आई डोंट माइंड पेइंग दैट 50-60 रुपीज एक्स्ट्रा, सो I will not script. So, एक सॉस का पैकेट है, मतलब चिंदीगिरी की भी हद, but let's do it. Oh, वाह 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 वाह, इतना crispy chicken. वैसे सच बताऊं तो मैं ब्रेकफास्ट में कभी भी चिकन नहीं खाती, मतलब सलामी खा लेती हूँ, सॉसेजेस खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे चिकन में फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। यूजली मैं एग खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। भाई बहुत गर्म है यार, लिटरली इसमें से धुआं निकल रहा है, इतना गर्म है। तो लेट्स डू द टेस्टिंग।
यार केएफसी इस पूरा पैसा वसूल, मतलब जिसको कहते हैं ना पैसा वसूल, वो है केएफसी। ये चिकन स्ट्रिप्स अगर मैं बात करूं, बाहर से बहुत क्रिस्पी है, अंदर से इनका चिकन पता नहीं कैसे इतना जूसी होता है। मे बी बिकॉज जो बैटर की जो लेयर है, मे बी ये थोड़ी सी पतली रखते हैं ताकि वो क्रिस्पी रहे, अंदर से चिकन जूसी रहे, सो उसकी वजह से टेस्ट इज रियली गुड। वैसे तो आप मेरे शरीर को देखिए कह ही सकते हो कि मुझे केएफसी बहुत पसंद है। तो मिलते हैं लंच में, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती हूँ। हाँ जी, तो पहुंच गए हम लोग केएफसी, मेरे पीछे आपको दरवाजा दिख रहा है। तो लंच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं बहुत दिनों बाद बाहर आई हूँ। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू ऑर्डर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। काफी डर लग रहा है मुझे इसको लेके आने में, सच बताऊं। ओके, सो अब करते हैं टेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी, सुबह मैंने खाए थे चिकन स्ट्रिप्स और अभी इन्होंने दिए हैं विंग्स, बोन वाले हैं ये। मैंने जिंगर बॉक्स लिया है, तो उसमें था एक जिंगर बर्गर, फ्राइज, कोक, टू पीसेस ऑफ चिकन एंड दे आल्सो हैड दिस कुकी केक, तो विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। एंड मैंने डिप्स एक्स्ट्रा लिए हैं, तो मैं इसको थाउजेंड आइलैंड सॉस के साथ डिप करके खाने वाली, क्योंकि सुबह भी मुझे डिप की बहुत मिस हुई थी। सो लेट्स गो। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है, वो गिरते गिरते बची है। लग भूख बहुत तेज़ रही है सच बताऊँ तो। काफ़ी बड़ा फ्राइज था, इसे फोक लेती हूँ फिर बर्गर खाती हूँ। पहले मैं खा रही हूँ चिकन रैप। सो फोटोग्राफर जी, वीडियोग्राफर जी थोड़ा पास लाइए, एंड आप देख सकते हो इसके अंदर भी इन्होंने थाउजेंड्स डाला है एंड एक पूरा पीस ऑफ चिकन स्ट्रिप है एंड दिस इज रैप्ड वेल एंड थोड़ा सा इसको टोस्ट किया है इन्होंने। ये 99 रुपीज़ के दो रैप्स हैं, विच आई फील इज़ अ वेरी गुड डील। सो लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ी सी और डिप ले रही हूँ बिकॉज मैंने 60 रुपये दिए हैं, सो आई शुड चिकन तो आया नहीं, रुक जाओ। इसके अंदर लेटस भी है, वो थोड़ा स्पाइसी है एंड ये अच्छा है। मतलब मैं अगर कहूँ 99 रुपीज़ में दिस इज़ वेरी गुड एंड एक पूरा बड़ा चिकन स्ट्रिप का पीस है इसके अंदर एंड काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा मुझे स्पाइसी लगा, मुझे इसे स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दिस इज़ गुड, वर्थ द मनी, वैल्यू फॉर मनी आई है। तो आपने इसका लुफ्त उठा लिया है, अब है बारी मुझे इसकी टेस्टिंग करने की, तो लेट्स डू इट। ओए होए, ओए होए, वाह 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 वाह। एक बार आप देखो, अमाउंट ऑफ जेनरस सॉसेज, फ्राइड चिकन एंड लेटस भी है एंड जो इसका बन है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है ये। प्राइजेस सारे नीचे मेंशन कर दूंगी, बट चिकन जिंगर इज़ द बेस्ट थिंग एवर इन दिस होल वर्ल्ड। आत्मा तृप्त हो गई, मतलब दिल खुश हो गया ये बर्गर खाकर, मज़ा आ गया, लाजवाब। दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर एनी चिकन लवर कैन हैव एंड मैंने पहले भी बोला था केएफसी मतलब फुल पैसा वसूल है, मज़ा आ गया, मज़ा। अब मैं करती हूँ इसको इन्जॉय, मिलती हूँ आप लोगों को अगर जगह बची तो टी टाइम पे, नहीं तो डिनर पे। Six and a half hours later. ऑर्डर करना था डिनर में बकेट, तो
तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ज्यादा लोग खाने वाले नहीं है, ज्यादा मुझे भूख है नहीं, तो मैं 4 पीस वाला ऑर्डर कर देती हूँ। और मुझे पता ही नहीं था कि वो बकेट में नहीं, वो डब्बे में आता है। बट अब चलो ठीक है, आ गया है। एनीवेज बड़े वाले पीसेज हैं, बड़े वाले चिकन के पीस है, तो मजा तो आएगा। तो मैं करके दिखाती हूँ इसकी टेस्टिंग। साथ में राइस बोल भी ऑर्डर किया, बिकॉज सुबह मैं खा नहीं पाई थी, तो अब मैं राइस बोल खाऊंगी। सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ, अगर फोकस में आ गया है ये राइस बोल, तो जल्दी से खा के बताते हैं। जो ये राइस है, खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू इज रियली गुड। एंड जो बेस्ट पार्ट है इसका कि ये काफ़ी आई थिंक वन लो, मतलब इट्स अ मील इन इटसेल्फ। तो और ये मसाला भी है इस बोल में। तो मैं सिर्फ राइस खाने वाली हूँ, बिकॉज ये मुझे चिकन भी खाना है और मैं सुबह से बहुत खाया है। दिस इज नाइस। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, काफ़ी स्पाइसी है। जो राइस की क्वालिटी है, दैट इज रियली गुड। एंड ऊपर इन्होंने 2 पीस ये वेज स्ट्रिप्स दिए हैं, तो वेज स्ट्रिप्स का भी एक बाइट ले लेती हूँ। वेज स्ट्रिप्स में आप देख सकते हो कॉर्न है, कैप्सिकम है, मटर है, क्रिस्पी है, काफी अच्छा है। शो स्टॉपर डिश है हमारा क्रिस्पी चिकन। टन टन किस किस को चिकन लेग पीस पसंद है फटाफट कमेंट्स में बता दो। मैं तो सबसे पहले अगर चिकन ऑर्डर करती हूँ, सबसे पहले लेग पीस खाती हूँ। किसी के साथ भी हूँ मैं, आई डोंट केयर। मैं पहले ही बोलती थी लेग पीस है मेरा, इट्स माइन। ओके, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये कट। एंड मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, KFC मतलब पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल। मतलब ये 4 पीस है, आप एक बार ये पीसेस का साइज दिखा। ये पीस नंबर 1 है, ये पीस नंबर 2 है, और ऐसे साइज के 2 और पीसेस, मतलब टोटल 4 पीस है इसके अंदर। वो बीटी हो गया कि ये बकेट में नहीं आया, बट आपने देख लिया नहीं ऑन दी होल। तो मैं बड़ा वाला पीस बाद में खाऊंगी क्योंकि थोड़ा मैसी हो जाएगा। तो मैं मैं लेग पीस खा रही हूँ सबसे पहले। फ्रीकिंग ऑसम। मजा आ गया, मजा मजा मजा। कैन यू हियर दैट क्रंच? मतलब दिस इज बेस्ट थिंग। इसको क्या मैं रिव्यू दूं, बस ये कह सकती हूँ कि आज मुझे आत्मा तृप्त हो गई मेरी। ये तो बहुत मजा आया मुझे KFC चैलेंज करने में। अब मैं आराम से बैठ के खा रही हूँ, वीडियो कर रही हूँ यहीं एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कुछ कर नहीं रहे हो आप लोग। वीडियो आएंगी, मैं अपनी पूरी मेहनत दूंगी। YouTube जब चाहेगा, आप लोग जब चाहोगे, तो मेरा चैनल ग्रो कर लेगा। ऑल आई कैन डू इज पोस्ट गुड कॉन्टेंट। टिल देन बाय।